इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने प्रूव की, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने क्या प्रूव की थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव किया हमने। इसको मॉडिफाई करके एक आसान रिजल्ट आता है, ये याद करने कई बार मुश्किल है, और आपकी जितनी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं या सब्जेक्टिव बुक्स हैं वो ऐसा यूज करने की बजाय ये यूज करती हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ईजी लगती हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। कैसे? आप अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें जो आपने प्रूव किया, इसमें से x कॉमन निकाल लें, तो ये x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर का x बच गया, एंड tan थीटा भी कॉमन निकाल लें। tan थीटा है नहीं कॉमन फिर भी निकाल लें, तो tan थीटा यहां से कॉमन, तो ये टर्म तो वन हो गई, यहां पे tan थीटा था ही नहीं तो मैंने डिवाइड कर दिया इसे tan थीटा से, मैंने जबरदस्ती tan थीटा कॉमन निकाला है, क्योंकि x tan थीटा कॉमन होगा तो ये टर्म वन हो जाएगी, x तो कॉमन निकल गया, tan थीटा नहीं था तो tan थीटा से डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सिर्फ इस टर्म को जरा ध्यान से देखना, ये वाली टर्म को अलग से लिख रहा हूं मैं, जी एक्स वी स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, अगले स्टेप में एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा, इस जी को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी। तो आप चेक करें तो इसको सॉल्व करके आपके पास ये हो जाएगा, तो चेक करो यही आ रहा है, यहाँ पे टू भी आ रहा है, रादर कोई बात नहीं, टू भी ले लो, ये लो, यहाँ पे टू लिख सकते हैं, ये लो। अब ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्टेप समझ में आया, इसमें जी को डिनोमिनेटर में ले गया, इससे क्या हुआ, टू इंटू साइन इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा किया था, जो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। अब डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये क्या होती है, रेंज, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, रेंज। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये यूज करें या आप ये यूज करें, एक ही बात है। अब कभी कभी ये यूज होती है, कभी कभी ये यूज होती है, आपको दोनों याद रखनी है, दोनों के दोनों काम आएंगे न्यूमेरिकल्स।